चलो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था हमने। बेटा आपको ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ, अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, वो कब हुआ था? क्या मतलब कब से ए यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, कब से हुआ, कितने ईयर्स पहले हुआ है बताओ। 20 बिलियन ईयर्स की हो कितने, अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बिलियन ईयर्स ए हुआ था, सही है। अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ अर्थ की, कब की बात करें बेटा, ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें, सही है। तो कब हुआ था बताओ, ये हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स। ये आपको पता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ की, किसकी बात करूं, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करूं, तो ये कब हुआ था बेटा, ये हुआ था 4 बिलियन ईयर्स। अच्छा अब यहाँ पे देखो, आपको ये समझो, अगर आप यूनिवर्स की बात करें 20 बिलियन ईयर्स, यानी कि धरती बनने के बाद जो लाइफ आने में कितने साल लगेंगे बताओ, 500 मिलियन, कितने साल लगेंगे, 500 मिलियन साल लगेंगे खाली क्या आने में, लाइफ आने में। तो साइंटिस्ट क्या थे, साइंटिस्ट का अलग मानना था, कोई मान रहे थे कि लाइफ कैसे आई है, मतलब एक कोई मान रहे थे कि, जैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, पहला कौन सा हमारा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसमें साइंटिस्ट का मानना था, स्वार साइंटिस्ट थे जिनका ये मानना था कि जो लाइफ आई है किससे आई है, भगवान, यानी कि भगवान बनाई, ब्रह्मा जी बनाई, ठीक है। इसके बाद देखो एक थ्योरी आई थी बिग बैंग, कौन सी आई थी, उनने कहा था कि जो पूरा जो यूनिवर्स था उसमें क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट होकर क्या बन गई, गैलेक्सी बन गई, ठीक है, प्लैनेट बन गया। इसके बाद हमने दूसरी थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि इंडिया का आया था कि जो थ्योरी है वो नॉन लिविंग से आई है, किससे आई है, इसका सपोर्ट उसने किया था, जो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था वो क्या था, इसका जो बहुत से सपोर्ट किया था वो उसने क्या था, बॉन हेलमोल्ट्ज़ ने, इन्हें क्या था, बॉन हेलमोल्ट्ज़ ने, इन्हें क्या कहा था, देखो हम लोग चैप्टर पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, एवोल्यूशन, कौन सा पढ़ना है, एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ना है। तो मैंने आपसे क्या बताया था, हमने बताया था जो थ्योरी पढ़ी थी, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, विकास, ये होता है, ये मैं ऐसे कर ऐसे नहीं करता, मिडल पॉइंट जो होता है उसका बाहर आना, वही तो होता है एवोल्यूशन। सेकंड सुनो, अगर हम बात करें तो हमारा जो बेटा यूनिवर्स बना था वो कितने साल का बना था बताओ, 20 बिलियन ईयर्स। अच्छा 20 बिलियन बहुत नहीं पड़ेगा, 1 बिलियन इक्वल टू कितना होता है, 1000 बिलियन, और 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, और 1 लाख इक्वल कितना होता है, 1 लाख इंटू 100,000। तो सोचो कितने साल पहले की बात है, सही है। तो जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ था उसका हुआ था 20 बिलियन ईयर्स, वो ये आपको डेट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद अगर करें ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें तो कब हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर्स, यानी कि इससे बाद में अर्थ जो बनी वो कब बनी, 4.5 बिलियन ईयर्स। बेटा इसके बाद अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ की तो वो कब हुआ था, 4 बिलियन ईयर्स, इसका मतलब ये धरती बनने के 500 मिलियन साल लगे थे खाली प्रोबायोटिक सेल को बनने में, सही है, ये हमने पढ़ा था।
इसके बाद एक साइंटिस्टों ने लिखी बिग बैंग थ्योरी। कौन सी लिखी? बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है बताओ? ये थ्योरी कहती है कि यहाँ पे क्या था, पहले आपका गोला था, क्या था, और उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, क्या हुआ, विस्फोट हुआ और टुकड़े बन गए, जो हम लोग ऐसे धरती की बात कर रहे हैं, क्या एक टुकड़ा है, सही है। इसके बाद देखो बिग बैंग थ्योरी के बाद कुछ थ्योरी आई थी जिसने बताया था कि लाइफ का यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे हुआ। जैसे सबसे पहले थ्योरी मैंने बताई थी वो आई थी कौन सी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी कि लोगों का ये मानना था, साइंटिस्ट का मानना था कि यानी कि भगवान के द्वारा, किसी के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, किसी के द्वारा से बनाई भी क्या है धरती पे दुनिया बनाई है। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि जो धरती बनी है वो नॉन लिविंग से बनी, किससे बनी, नॉन लिविंग से, और बेटा इसके इसको सपोर्ट किया था, किया था बॉन्ड हेलमोन से, कहने किया था उन्होंने, ये कहा था कि अगर आपकी पसीने की शर्ट है और उसको कहाँ रखो, आटे के ऊपर रखो, तो उसे चूहे बन जाते हैं एक किसी भी, ये सही था क्या बात, नहीं सही थी ना, इन्हें कह दिया था ऐसे, लेकिन ये बाद में बेकार हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आई थी कॉस्मोलॉजी थ्योरी, कौन सी आई थी, ये क्या कहती है, इन्हें कहा था साइंटिस्ट ने कि जो लाइफ के जो वो क्या है स्पोर आए वो दूसरे प्लेनेट से आए, इन्हें बताया था, लेकिन जो सही थ्योरी थी वो कौन सी थी बेटा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, कौन सी थी, ये जो कहती है कि लाइफ जो बनी है वो किससे बनी है, लिविंग से बनी है, किससे बनी है, ना कि नॉन लिविंग से, और ये सेल थ्योरी भी कहती है हर एक जो लिविंग सेल होती है वो किससे बनती है, अपनी सेल से ही बनती है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तीन साइंटिस्ट थे, ग्रैडी थे, एक कौन से अल्जारो, एक कौन से पास्टर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे क्या बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं, इसमें क्या बताया था, इसमें कहा था कि अगर मान लिया कोई स्वान नेक का एक मटका लिया और उसमें देखा कि अगर एक तरफ लाइफ है, मतलब एक तरफ लिविंग सेल थी उसने और दूसरी तरफ बंद कर दिया, तो क्या उसमें बताओ कभी लाइफ आई थी, नहीं आई थी, लेकिन एक तोड़ दिया था तो उसने देखा कि वहां पे लाइफ कहीं ना कहीं बाहर से कोई सेल आ गई, उससे क्या हुआ, सेल से नई नई सेलें बनने लगी, ठीक है। अगले अगर हम बात करें तो नेक्स्ट थ्योरी आई थी वो थी मॉडर्न थ्योरी, कौन सी थी, मॉडर्न थ्योरी, और यही थ्योरी है जो सही बात आती है, इन्हें बेटा बताया था कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो केमिकल हुआ है, कैसा हुआ है, केमिकल, यानी कि पहले क्या आए होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आए होंगे, इसके बाद पहले क्या आया बेटा, जैसे ए एटम साइज के बाद मॉलिक्यूल बने, इसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, इसके बाद क्या बना, हम बोल सकते हैं ए ऑर्गेनिक ए माइक्रो मॉलिक्यूल, इसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल, और ये सब बनते बनते क्या बना, प्रोकैरियोटिक सेल, क्या बना, प्रोकैरियोटिक सेल, के बाद कौन सी बनी होगी, यूकेरियोटिक सेल, तो ये क्या हुआ है, ऐसे करके क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, पता है आपको, तो आप लोगों ने बेटा कहां तक लिया था उसमें, कब, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो यानी कि प्रोटीन पॉलीसेकेराइड बन गए थे। तो देखो सबसे पहले ने क्या दिखाया था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आए थे, इसके बाद क्या आया, NH4H2O CO CO2, ये सब आए, इसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल CH4 हो गया, HCN हो गया, ये सब आए, इसके बाद हमने देखा कि एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल, ये क्या है सब, माइक्रो मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड नाइट्रोजन बेस, ये क्या है सब, माइक्रो मॉलिक्यूल, ये आए, और इसके बाद इनसे क्या बन गए, प्रोटीन बन गए, यानी कि और न्यूक्लिक एसिड बन गया, ये सब चीजें बन गई, तो ये क्या बदला रहा था, माइक्रो से कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, मैक्रो मॉलिक्यूल। चलो इसके बाद नीचे इसके नीचे आ रहा हूं मैं, और देखो हॉट डाइल्यूट सॉल्ट टू, सॉरी हॉट डाइल्यूट सूप, और ये जो बताया था, ये बताया था हेलियम में, तो यहाँ पे लिख लेना बाई हेलियम, नहीं हेडिंग नहीं है उसके नीचे आ रहा, उसके बाद जो आता है आप लोग क्या लिख रहे हो, आप लोग ऐसे लिख रहे हो बेटा, ऐसे करके इसके नीचे लिखते रहो ऐसे, तो अब क्या होगा, इसके बाद लिखो हॉट डाइल्यूट, लिख लिया, इसके बाद जो नीचे एरो बनाओ और लिखो इसके बाद बना माइक्रोस्फीयर, क्या बना, माइक्रोस्फीयर, देखो लिख लिया, इसके बाद लिखो क्वेश्चन पे लिख लोगे,
देखो पोजिशन बेस ये बताए क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, ये होता है कि पहली बार चाहे आप लिख लो फर्स्ट हमने देखा था कि न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन साथ में थे, सही, उसको बोलते हैं क्वेश्चन बेस। इसके बाद देखो क्या बन गई थी बेटा, आप लोग बताओ न्यूक्लियोप्रोटीन बन जाएगी तो क्या बन जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल, क्या बन जाएगी, यही तो होती प्रोकैरियोटिक सेल, तो न्यूक्लियस के नीचे फिर प्रोकैरियोटिक सेल। और इसके बाद क्या बन गई बेटा, यूकैरियोटिक सेल। तो ये सोचो कितने साल में हुआ था, 500 मिलियन साल में हुआ था, कब तक हुआ था, 500 मिलियन साल में। इसके बाद लिखो यूकैरियोटिक सेल, लाइफ ऐसे बनी है, सही है। इसके बाद जो एटम थे उससे क्या बने, मॉलिक्यूल बन गए, मॉलिक्यूल से क्या बने बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना, माइक्रो मॉलिक्यूल, इसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल, इसके बाद हॉट डाइल्यूट सूप टाइप में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद क्या बना बेटा, माइक्रोस्फीयर का मतलब होता है वेसल्स, वेसल्स होती है गोली टाइप की, वो बन गई, ठीक है, वेसल्स टाइप की। इसके बाद हमने देखा फर्स्ट न्यूक्लियो प्रोटीन बन गई, और फर्स्ट जब न्यूक्लियो प्रोटीन बन गई तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल बन गई, और प्रोकैरियोटिक सेल के बाद क्या बन गई, यूकैरियोटिक सेल। तो ऐसे करके क्या हुआ, केमिकल इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और ये थ्योरी दी थी, किसने दी थी, इसीलिए बोलते हैं इसको हेल्डेन ओपेन थ्योरी बोलते हैं, केमिकल इवोल्यूशन भी बोलते हैं। और ये बेटा जो फर्स्ट सबसे सही थ्योरी थी वो यही थी, जैसे हमें पता लगा कि लाइफ का क्या हुआ है, ऐसे ओरिजिन हुआ, ठीक है, ऐसे ही हुआ है कि आप सोचो कि ब्रह्मा जी से उन्हें बना दिया सब कुछ अच्छी, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आप मैं कुछ कॉमन पॉइंट बता रहा हूँ उसके, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, तो आप लिखो लेकर फिर समझ लीजिए। देखो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन द वाटर, इन द वाटर ऑफ ओशियन, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन द वाटर ऑफ ओशियन। फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन द वाटर ऑफ ओशियन, यानी कि उनका मानना ये था कि सबसे पहले जो लाइफ बनी थी वो कहाँ से बनी है, ओशियन मतलब समुद्र, यानी पानी से बनी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि धरती पे पानी होना बहुत जरूरी था लाइफ के ओरिजिन के लिए। तो देखो इसे लिखो, सो वाटर इज एसेंशियल फॉर, सो वाटर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, सो वाटर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसका मतलब यह है कि बेटा लाइफ की ओरिजिन में सबसे बड़ा रोल किसका था, वाटर का। अगर पानी ना होता तो कभी भी धरती धरती पे लाइफ संभव नहीं थी। जैसे अच्छा चंद्रमा पानी है क्या, चंद्रमा पानी नहीं है ना, पता है आपको, मैंने पढ़ा लिया था। तो चंद्रमा पर अगर पानी नहीं है तो इसीलिए वहां पर लाइफ नहीं बनती, अगर मुझे लगता है पानी होता तो लाइफ बन जाती, सही है, तो चंद्रमा पर इसीलिए लाइफ नहीं है, क्लियर। और वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है ना, ऐसा ही बोलते हैं, बहुत कम है, आप लोग उड़ोगे वहां जाके, ऐसा होता नहीं करें। चलो नेक्स्ट पॉइंट, हाँ दिखा दो नेक्स्ट पॉइंट, ये दिखा देखो, देयर इज नो लाइफ ऑन मून, देयर इज नो लाइफ ऑन मून चंद्रमा, देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वाटर, ड्यू टू absence of water, due to absence of, due to absence of water, चंद्रमा पर तो लाइफ क्यों नहीं है, पानी नहीं है। अगर वहां पानी होता तो मुझे लग रहा है वहां पे भी लोग रह रहे होते हमारे तरह, ठीक है, वहां पे भी क्या होता, ये सब ऐसी पढ़ाई होती होती, ठीक है, और लेकिन फायदा ज्यादा वहां से लोग इधर रहते वैसे वहां से जाता है, ऐसा ज्यादा नहीं रहता, चलो अच्छा लगता। नेक्स्ट में बेटा देखो, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड
मीथेन। सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था क्या बना था? मीथेन। ये डायरेक्ट को सुनाते हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। ब्रैकेट में लो CH4, और इसके बाद जो बना वो बना हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बना? तो देखो इसी में लेटर ऑन हाइड्रोजन साइनाइड, लेटर ऑन हाइड्रोजन साइनाइड वाज फॉर्म HCN, इसी को तो बोलते हैं। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था? मीथेन। और दूसरा कौन सा बना था? HCN। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे पूछ सकते हैं आप बताओ मुझे। नेक्स्ट बेटा देखो न्यूक्लियो प्रोटीन बेटा, मैंने न्यूक्लियो प्रोटीन किसे बोला है? क्वेश्चन बेस को। किसको बोला है? क्वेश्चन बेस। तो देखो न्यूक्लियो प्रोटीन वर फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट साइन था लाइफ का वो क्या था? न्यूक्लियो प्रोटीन। यानी कि जब न्यूक्लियो प्रोटीन धरती में बन गई थी उसके बाद हमें पक्का पता लग गया था कि कहीं ना कहीं अब लाइफ यहाँ पे बन सकती है। हमें नहीं पता लग गया, मतलब लाइफ का ही साइन था पहला भाई, उस टाइम तो कोई नहीं होगा ना यहाँ पे धरती पे, सही है? तो आपको समझ गया न्यूक्लियो प्रोटीन से क्या साइन हुआ कि अब लाइफ संभव है, क्योंकि इसी के बाद प्रोकैरियोटिक है। क्या बनी? प्रोकैरियोटिक है। बेटा नेक्स्ट लिखना, देखो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ओरिजिनेटेड 2000 मिलियन ईयर्स एगो। यानी कि इतनी साल पहले जो सेलुलर लाइफ बनी थी फर्स्ट वो बनी थी, ठीक है? 2000 देखो, ठीक है? अगर अच्छे देखो ये कहे कि नॉन सेलुलर फॉर्म कब बनी थी तो आप बोल सकते हो 3 मिलियन ईयर्स एगो। कब बोल सकते हो? चाहे आप तो ब्रैकेट में लिखो नॉन सेलुलर फॉर्म ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स एगो। नॉन सेलुलर फॉर्म ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स एगो। आप लोग ये बात समझ के बताओ, क्या क्या समझा हमने? हमने देखा कि हमें यानी कि सबसे पहले लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए किसकी जरूरत थी? बाटर की जरूरत थी, सही है? यानी कि हमें पता था कि बेटा अगर बाटर होगा तभी यहाँ पे लाइफ क्या है संभव है, पहली चीज। सेकंड हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लाइफ जो सेलुलर फॉर्म बनी थी तो बनी थी 2000 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है? नॉन सेलुलर 3 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है? धरती कंपनी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ये सब आप बातें पता है आपको? जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पता लगाते हैं वो कब बना था? 20 बिलियन ईयर्स तक। ये सब बातें पता है आपको? इसके बाद यहाँ पे केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था? CH2, और दूसरा कौन सा बना था? हाइड्रोजन साइनाइड। क्लियर है आपको ये सब चीजें? तो यहाँ तक क्लियर है? तो आप किसी की आप उसमें बताओ ना कि लाइफ कैसे बनी, ठीक है? आपको पता है, आप पढ़ रहे हो तो आपको बताना चाहिए केमिकल इवोल्यूशन पता, ठीक है? वैसे नहीं लगती। और ये सेल थ्योरी भी बताती है कि जो लाइफ है वो हमेशा सेल किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कभी भी ऐसा नहीं कि नॉन लिविंग से बन जाएगी ए लाइफ, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमेशा जो सेल बनती है वो सेल थ्योरी भी तो कहती है ये बात कि सेल किससे बनी होती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, सही है? और प्री एग्जिस्टिंग सेल किससे बनी है? प्रोकैरियोटिक सेल से। और प्रोकैरियोटिक सेल कैसे बनी है? न्यूक्लियो प्रोटीन से। क्लियर है ना? चलो बेटा इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिसे बोलते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? मिलर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वैसा ही करके करते सिस्टम बनाया था जो पहले हुआ हुआ। आपने किताब है आपके पास? देखो उसमें डायग्राम बना हुआ है, नहीं है? किताब में डायग्राम बना हुआ है, उसे बोलते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि सेम टू सेम वैसा ही एटमॉस्फेयर बनाया। देखो आप लोग
ये डायग्राम प्रमाण जरूरी नहीं है, आपको समझ लो ऐसे, ठीक है। इसे बोलते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट। आप लोग ऐसा करो, पहले एक छोटा सा हेडिंग डाल के ऐसे लिख लो, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। देखा बेटा, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। देखो एक बार बताओ, अगर कोई साइंटिस्ट कुछ कह रहा है, सही है, वो मान रहा है कि भाई ऐसे लाती है, ऐसे आए थे, ऐसे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा, प्रमाण। और वो उसके बाद पे वो प्रमाण जब हो जाता है तब उसे बात मानी जाती है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे मिलर, कौन थे, मिलर, उनने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उनने क्या क्या किया, सिस्टम बिल्कुल वैसे ही बनाया, जैसे यहाँ पे देखो, इनने ये बनाया बादल, ये क्या थे, बादल टाइप का था। यहाँ पे देखो धरती है, यहाँ पानी पहले क्या रहा होगा, यहाँ पे ये बता देंगे और ज्यादा टेम्परेचर था तो पानी बनता था और गैस के रूप में ऊपर उठता था, फिर से आता नीचे। तो देखो इनने सब कुछ वैसे ही किया, यहाँ बॉइलिंग वाटर हो रहा है, ये पानी भाप बन के जा रहा है ऊपर, ये जो लगाए थे किसके लिए लगाए थे, बिजली, बिजली कड़कने के लिए, बिजली कड़क रही है। यहाँ कंडेंसर लगा था कि पानी कंडेंस होकर फिर से आ जाए यहाँ पे, तो ये लगातार चलता रहा ऐसा, ठीक है। तो इनने देखा कुछ दिन बाद कि यहाँ पे CH4NH3H2O और हाइड्रोजन वगैरह बन रहे हैं, और जब ये बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि यही हुआ होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी क्या हुआ था, प्रूफ हुआ था, ठीक है, क्लियर हुआ। इसे बोलते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं, तो आपने बेटा जो ए क्या लिखा है, ए हेडिंग डाला है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसके नीचे एक पॉइंट लिखो, देखो बाय बाय स्टैनले मिलर, बाय स्टैनले मिलर, बाय स्टैनले मिलर एंड, देखो हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ, हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ हैरोल्ड क्यूरे, इस साइंटिस्ट का नाम है HAROLD क्यूरे, HAROLD हैरोल्ड क्यूरे, URY, लिख लिया, हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ हैरोल्ड क्यूरे, लिख लिया, इन 1953, और ब्रेक डेवलपमेंट बोलते हैं, बोलते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं, आप लोग डायग्राम बनाओगे, क्या बनाओगे, या मैंने तो जरूर नहीं है, किताब में देख लो बस, ये कभी आपको बुरे नहीं जाएगा कि डायग्राम बनाने के कितना आएगा, सही है। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि मिलर एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया था क्या, केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, क्लियर हुआ, ये बात ध्यान रखना, किसको प्रूफ किया था, केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रूफ किया था किसने, मिलर एक्सपेरिमेंट, और इन साइंटिस्ट के नाम आ गए बेटा, क्लियर हुआ। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या हमारे पास जो एवोल्यूशन हुआ है उसको क्या क्या एविडेंस है, भाई कोई एविडेंस है नहीं आपके पास, या आप ऐसे कह रहे हो एवोल्यूशन हुआ है, भाई आपका मानना क्या है, आप लोगों का मानना क्या होगा, एवोल्यूशन हुआ है तो उसको आपको क्या चाहिए, एविडेंस, ऐसे आप कैसे मान लो, एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूफ चाहिए ना, प्रमाण चाहिए आपको, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने एविडेंस इकट्ठे किए, तो हमें बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिले जिससे हमें पता लग गया कि यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो आप लोग हैंड डालो नेक्स्ट, एविडेंसेस ऑफ, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, तो हम लोग वन टू थ्री में पढ़ेंगे सारे कौन कौन से ऐसे एविडेंस से पता लगा कि यहाँ पे क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ है। देखो दूसरी बात सुनो, सबसे बढ़िया जो मैं आपको बताऊं, अगर आपको समझने वाला, देखो आप वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं समझ पाते,
कि क्या हुआ ऐसा, लेकिन यहाँ पे जो आपको एविडेंस मिलेंगे वो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ होगा। दूसरा हम एक चीज समझ सकते हो बेटा, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कैसे हुआ है। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, जो धरती है धरती पूरी क्या बताओ, यहाँ पे हर जगह का लाइफ एक जैसी है नहीं है ना, कुछ जगह डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कुछ जगह कम है। ये तो आपको अभी दिखता है, जैसे भारत में बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोग उधर जाओगे किधर, वहां पे आपको देखना कि आपको स्पीशीज मिलेंगी नहीं बहुत ज्यादा, मुश्किल से 5, 6, 7, 8, 9 स्पीशीज होंगी जो आपके आसपास होंगी। यहाँ पे आपको 10 तो इधर मिल जाएंगी, यहीं खड़े होकर देखोगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर भगवान या फिर कोई भी इंसान को बनाता धरती पे, तो वो ऐसा ना करता कि भारत में बहुत ज्यादा रखती और उधर पोल की तरफ बहुत कम रखती, वो ऐसा क्यों करता, वो तो उसी के हिसाब से मौसम के हिसाब से हर जगह बना देता। बात समझ नहीं समझे, इधर देखो बेटा, एक बात बताओ, ये धरती है सही, ये इक्वेटर है, ये तो हमको पता है इक्वेटर होता है। इक्वेटर के बाद आप लोग बताओ, ये इक्वेटर है और इधर क्या पोल है, आप लोग बताओ बेटा, सबसे ज्यादा तो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है वो यहाँ क्यों होती है इस क्षेत्र में, इसका रीजन क्या है। अगर इवोल्यूशन ना हुआ होता सही है, और मान लिया, मैंने मान लिया कि भगवान ने सबको बनाया है, मान लो ठीक है, तो बेटा भगवान ऐसा ना करते कि इधर सबसे ज्यादा बनाते इधर नहीं बनाते, वो तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग बनाते ना, इधर ठंड बहुत ज्यादा रही तो इधर के अलग स्पीशीज होती, इधर की अलग होती, लेकिन जो चीज अपने आप होती है उसमें किसी का हाथ नहीं होता, अकॉर्डिंग टू नेचर होता है, तो बेटा उसको नेचर सेलेक्ट करता है। और नेचर सेलेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम था, सर्वाइवल एरिया था एनिमल्स का, इसीलिए यहाँ ज्यादा हो गए, और यहाँ पे सर्वाइवल एरिया नहीं था इसीलिए स्पीड क्या नहीं कम रही। तो इसका मतलब ये समझे आप लोग कि अपने आप हुआ है सर, किसी के हाथ में नहीं था कि कौन सी स्पीड को बनाना है। बेटा एक बार बताओ आप लोग, अगर यहाँ पे मान लिया 30 डिग्री रहता है एवरेज टेम्परेचर ठीक है, और इधर कितना रहता है मान लो 0 रहता है, 0 रहता है ठीक है। जब अगर भगवान बनाता बेटा तो वो यहाँ पे 30 डिग्री वाले एनिमल्स को बनाया उसने सर्वाइवल के लिए, तो वो 0 डिग्री वाले को नहीं बनाता, क्या बनाता, और जितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी इधर है उतनी इधर होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इवोल्यूशन हुआ है और वो अपने आप हुआ है, ना कि किसी के हाथ में था कि ये सब करना, समझ गए आप लोग, क्लियर हुआ मैं क्या समझ रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे कुछ एवोल्यूशन बताऊंगा, वो सॉरी एविडेंस बताऊंगा, जिससे आपको प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है और इस धरती पे वो धरती पे स्पीशीज आएगी ठीक है। तो आप लोग बेटा सबसे एक देखो, एक पॉइंट देखो, देखो सम इंपॉर्टेंट एविडेंस यार ये क्यों कुछ नहीं है जाना पड़ा ठीक, देखो सम इंपॉर्टेंट एविडेंस व्हिच प्रूव्स दैट evolution occurs or not, यानी कि यहां पे हम एविडेंस को देख के ये पता लगा लेंगे कि evolution हुआ है या फिर नहीं हुआ है ठीक है। तो नंबर वन आपको हैंग डालो बेटा, हैंग डालो पैलेनोटोलॉजिकल एविडेंस, इसके नंबर PALAENTOLOGICAL पैलेनोटोलॉजिकल एविडेंस। अब आप लोग ये नहीं समझ रहे हो ना बेटा, पैलेंटोलॉजी बोलते हैं हम लोग स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इसे बोलते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो आप लोग चाहे अगर आपको ऐसा समझ आएगा तो आप लोग ब्रेक में लिखो स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी कि पहला एविडेंस क्या था बेटा, जीवाश्म का ठीक है, जो धरती में हमें क्या मिले, क्या मिले, गड़े हुए मरे हुए। तो हमने देखा, एक और बताओ आपको कैसे पता था कि आज से 2,000-3,000 साल पहले कैसे ह्यूमन होते थे, तब हमें क्या मिला, कंकाल मिले, क्या मिले कंकाल, और उससे हमें पता लगा कि आज के ह्यूमन में और आज से 2,000 या 5,000 10,000 20,000 साल पहले के जो ह्यूमन थे उनमें चेंजेस थे, क्या थे चेंजेस।
और जब चेंजेस थे तो इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ है, हुआ नहीं हुआ है? अब तुम अगर आज से 2 मिलियन ईयर्स एक रूप बात कर रहे हो और आपको एविडेंस मिल गया, क्या फॉसिल मिल गया, तो आपको समझ नहीं आएगा क्या आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है? क्योंकि उस टाइम की खोपड़ी का साइज होगा वो सब अलग होगा बिल्कुल कंपेयर टू इधर की। ठीक है, तो लिखो बेटा यहाँ पे देखो स्टडी ऑफ फॉसिल लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो बीरबल साहनी, बीरबल वो वाले नहीं, ये वाले अलग है। देखो बीरबल साहनी, आपने बीरबल कहानी नहीं है, बीरबल दिमाग का ज्ञान ज्ञान है। देखो बीरबल साहनी इज फेमस फॉर इंडियन पैलिनोटोलॉजी। अच्छा एक बार बताओ, एक बार मुझे बताओ, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे डायनासोर थे? उसका जीवाश्म तो मिले थे हमें तो ये भी क्या बता रहा है बताओ इवोल्यूशन किस कारण है कि डायनासोर थे वो हमने नहीं देखे थे भाई तुमने इतना देखे उस टाइम इंसान ही नहीं थे खाली डायनासोर जाना मिलते धरती पे तो वो थे तो इसका मतलब क्या था कि इवोल्यूशन हुआ है उनका क्या मिला हमें कंगाल मिले तभी तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स का मतलब समझ गए कि इससे कैसे एविडेंस होते हैं यानी कि फॉसिल्स की स्टडी का पता लगाते हैं कि आज से 5000 साल पहले क्या था सही है अच्छा आप लोग बताओ अगर मैं आपसे पूछूं मुझे मेरी बात सुनना तो कहीं ना कहीं फिर और लिविंग नहीं आते लिविंग तो अभी आए आपने देखी है ट्राइसोरस उसमें डायनासोर कहाँ नहीं भाई देखना कुछ आके गिर जाता है ठीक है होता है ये तो मैं कह रहा हूँ ना बोला आगे जो भी बचा हुआ है कहीं कहीं अलग अलग दिखाते हैं सर। देखो ये मैं अपना मत मेरा क्या मानना था मैं साइंटिस्ट नहीं सुन रहा हूँ ठीक है वो क्या कह रहे हैं बाद में बताएंगे आपको इसी टाइप का बताएंगे मेरा ये मानना था कि उनके लिए खाने के लिए होता होगा। देखो एक बात सुन रहे एक बात सुन रहे जब डायनासोर 20 फीट का होता था कितने का होता था 20 फीट के थे इतने बड़े एक शेर होता है ना वो इतना बड़ा होता है उसके लिए भी खाने के लिए अच्छा खासा होता है मांस। जब बेटा धरती पे नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत कम थी आज की तरह नहीं थी उस टाइम बहुत कम थी तो मुझे लग रहा है कि डायनासोर 20 फीट जब बड़े थे तो उन्हें खाने के लिए कुछ बचा नहीं होगा क्योंकि डायनासोर मांसाहारी थे कैसे थे मांसाहारी तो उन्हें एक दूसरे को खाने स्टार्ट कर दिया होगा और जब खाने साथ कुछ भूख से मर गए होंगे कुछ एक दूसरे को मार के मर गए जब एक दो बचे होंगे उसके बाद सब अपने आप खत्म होंगे तो मुझे लग रहा है ये कारण रहा होगा एक अच्छा सर अच्छा खासा अगर वो शाकाहारी होते तो मुझे धरती पे आज भी होती क्या करते बेटा डर तो बहुत रहता उनसे चले गए तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो बहुत खतरनाक है यहाँ पे सोचो 20 फीट का होना जानते कितना बड़ा होता है तो ये कितना कितना दस होगी सोचो इसका दुगना इतना बड़ा डांस होता था तो सोचो से कितने मास की पड़ती होगी तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो खत्म हो गया ठीक है। चलो बेटा इसके बाद इसमें एक पॉइंट को देखो फॉसिल्स प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो ये फॉसिल्स बेटा क्या देता है एक प्रूफ देता है कि यहाँ पे क्या हुआ है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। क्लियर हुआ और कुछ देखो नेक्स्ट नेक्स्ट
देखो फॉसिल्स गिव्स, फॉसिल्स गिव्स, फॉसिल्स गिव्स ऑल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ऑल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन लिया। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कभी कि जो फॉसिल्स होते हैं वो कैसी रॉक में मिलते हैं, चट्टान में मिलते हैं, तो कौन सी चट्टान में मिलेंगे बताओ। क्या सर फॉसिल्स होते हैं वो कौन सी चट्टान में मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो वो होती है सेडिमेंटरी रॉक, कैसी होती है सेडिमेंटरी, मतलब धसी हुई अंदर सेडिमेंट है। तो लिखो क्या ये लिखोगे, देखो सेडिमेंटरी रॉक में फॉसिल्स होते हैं, ऐसे लो मजा आएगा। सेडिमेंटरी रॉक में फॉसिल्स होते हैं। प्रेम पाल तुमने क्या भंडारा खाया था? मैंने खाया, हाँ खाया था। अरे वो तो आज लाइक दे रहे थे मोदी जी के लिए। मोदी जी कह रहे थे काम आ गए सेडिमेंटरी, चलो ठीक है बहुत सही बात है, काम तुमने बन गया, लेकिन मुझे तो बहुत अजीब लगता है। चलो सुबह देख लिया सेडिमेंटरी रॉक में फॉसिल्स होते हैं, इतना कह दो बेटा। तो अब ये आपको पता है फॉसिल्स की स्टडी करके आपको पता लगा डायनासोर होते हैं, चाहे वो भी लिख लो पॉइंट लिख लो। फॉसिल्स आल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डायनासोर, फॉसिल्स आल्सो गिव्स द, फॉसिल्स आल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डायनासोर। इंफॉर्मेशन अबाउट डायनासोर फॉसिल्स ने ही, फॉसिल्स ही पता लगा कि यहाँ पे क्या थे डायनासोर, अबाउट डायनासोर क्या फिर से डायनासोर फिर से आ सकते हैं आप बेटा, आप कैसे आ सकते हैं? आप देखो ये मैं बताऊँ एक बात और बताऊँ, डायनासोर नहीं मिल रहा है देखो, फिर मैं बोलता हूँ डी आई डी वाई एन ए एस यू आर लिया। बेटा एक बात बताओ आप कैसे जाएंगे बेटा, इवोल्यूशन का मतलब इतना होता है कि अपने आप कर लिया हो, इवोल्यूशन का मतलब होता है नेचुरल तरीके से चीजें सेलेक्ट होती हैं, वो इवोल्यूशन होता है, नहीं समझे बात को? ऐसा नहीं तुम अपने आप कोशिश कर रहे हो तो वो इवोल्यूशन हो रहा है, वो इवोल्यूशन होता है ध्यान रखना सही है। इवोल्यूशन का मतलब होता है हिडन पोटेंशियल जो आपके पहले छिपा था वो बाद में अपने आप आ जाए, वो होता है सही है। चलो नेक्स्ट नंबर सेकंड हैंड का मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। अब हम लोग समझेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस कैसे मिले थे। देखो एक बार समझो बेटा, मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्टडी, जानते हो जैसे कोई प्लांट है, अगर हम लीफ की स्टडी कर रहे हैं तो उसकी स्टडी कर रहे हैं बाहर से, मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं, स्टेम रूट फ्लावर ये सब हम क्या करते हैं मॉर्फोलॉजी। अगर हम जैसे मैं अपने हेड की स्टडी करूं तो क्या करूंगा एनाटॉमी, क्या बोलूंगा एनाटॉमी, क्लियर हुआ? अच्छा जो फिजियोलॉजी होता है उसका मतलब क्या होता है पता है आपको? बताओ फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आपको पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसका मतलब क्या होता है? आपको पढ़ते हो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हो, गलत में आपके पढ़ाते हैं मतलब कितना लगा पता जैसे आपको मैंने फिजियोलॉजी पढ़ाया था तो मैंने ये नहीं बताया था किडनी होती है, खाली दिखाई नहीं आपको फंक्शन बताया था कैसे करती है, समझे आप? तब लोग हम लोग पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी, और जब हम अगर बात कर रहे हैं एनाटॉमी की तो खाली स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं इंटरनल,
और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है एक्सटर्नल स्टडी, समझ गए आप लोग। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के लिए क्या एविडेंस हमारे पास इवोल्यूशन हुआ है। जैसे एक बात समझो आपको, अगर हम देखें जैसे आपका हाथ हो गया, हाथ की बोन्स होती है, कौन कौन सी होती है बताओ, पता है हमारे हाथ में उतनी चीता में, चीता के जो फोल्डर होते हैं उनमें इतनी ही बोन है। इसका मतलब क्या लगता है कि हमारे जो एंसेस्टर होंगे चीता के एंसेस्टर होंगे सेम होंगे, यानी कि जिससे चीता बना उसी से हम लोग बने, नहीं बता सकते क्योंकि बनना बेटा हमारी एनाटॉमी बोन्स की एक ऐसी होती है। अब ये मत कहना कि हम ऐसे क्यों हो गए, चीता ऐसे क्यों हो गया, वो तो वो जैसे हैबिटेट में रहा वैसे ही हो गया, समझ गए आप लोग। तो अभी मैं आपको काफी बातें बताऊंगा, पहले आपको लिखो एक पॉइंट, देखो डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स, सो एस एच डब्ल्यू सो डिसिमिलरिटीज, डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स शो डिसिमिलरिटीज इन देयर स्ट्रक्चर but in some characters they show SHOW similarities, ये कह रहा है बेटा कि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे होते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है डिफरेंट होता है, क्या होता है डिफरेंट, लेकिन अगर उनका कुछ सिमिलरिटी है उनके अंदर तो इसका मतलब हम प्रूव कर सकते हैं कि वो क्या बन जाएगा, एविडेंस बन जाएगा कि इवोल्यूशन हुआ है। तो ये सिमिलरिटी दो टाइप की होती है, दो टाइप की, तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट देखना, देखो दीज सिमिलरिटीज आर ऑफ टू टाइप, दीज सिमिलरिटीज होमोलॉजी का मतलब सिंपली होता है, अगर बेटा एंसेस्टर सेम, एंसेस्टर का मतलब जानते हो पूर्वज, मैं से हो सकता हूं ओरिजिन सेम से हुआ, सही है, और उनके फंक्शन क्या हो बेटा अलग अलग, क्या हो फंक्शन क्या हो अलग अलग, तो इसका मतलब क्या होता है होमोलॉजी, क्या होता है होमोलॉजी, और ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा, ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, क्या बोलते हैं समझे बात को, जिसका ओरिजिन सेम से हुआ हो सकता है मेरा हम लोगों का मतलब और चीता का ओरिजिन सेम से हुआ हो, तभी आज से 2000 साल पहले, 2000 तो बहुत कम बता रहा हूँ, 200 मिलियन साल पहले ऐसे मान लो तो सेम से हुआ हो, लेकिन हम लोगों का फंक्शन क्या है अलग अलग, क्या है ऐसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऐसे स्टडी को बोलते हैं होमोलॉजी, ऐसे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, क्या बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, विस्तार होता है, तो
और उसने देखो फंक्शन अलग होंगे तो अलग एरिया बट गए, तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्स नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये बात समझे आपको। जैसे मान लिया किसी का फादर है, क्या है उनके चार बेटे हैं, कितने बेटे हैं, चार बेटे हैं, एक मान लिया किसमें पुलिस में, एक डॉक्टर है, एक क्या है इंजीनियर है, और एक क्या है एडवोकेट है, तो बताओ ये क्या करना है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, अलग अलग क्या कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, क्योंकि पुलिस भी करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं, इंजीनियर भी करते हैं, है ना, तो इनका ओरिजिन तो सेम से हुआ है। अब इनके पापा तो एक ही रहे होंगे, कोई ज्यादा होता ना होंगे, अगर इनके पापा मान लीजिए क्या रहे, पुलिस में रहे होंगे, इसमें रहे होंगे, अब इनने ये तो खाली सिंगल पुलिस में थे, ये ना डॉक्टर थे, ना इंजीनियर थे, ना एडवोकेट थे, लेकिन इनके बच्चे ने क्या किया, डाइवर्जेंट डेकोरेशन कर दिया, कि मतलब बकरी भी बन रहा है इनके घर में, पुलिस भी आ गया, तो क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट यही तो हो रहा है यहाँ पे, समझ गए आपको, ओरिजिन सेम लेकिन फंक्शन क्या हो गए अलग अलग, तो उसको क्या बोलते हैं होमोलॉजी, और ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, और इसके द्वारा इवोल्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ कुछ ना करता है यहाँ, ठीक है, तो आप लोग ऐसा करो फिर कुछ देखो, कैसे देखो होमोलॉजी क्या है, क्या दिया देखो यहाँ पे, देखो द ऑर्गन्स विच हैव देखो द ऑर्गन्स विच हैव कॉमन ओरिजिन which have common origin, common embryonic development, and same बेसिक स्ट्रक्चर एंड सेम बेसिक स्ट्रक्चर but perform different function are called होमोलॉजी ऑब्लिक लगाओ और लिखो होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि स्टडी को बोलते हैं होमोलॉजी और ऐसे ऑर्गन क्या बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, क्लियर, ये लिखा हुआ है, देखो तो इसको क्या बोल रहे हैं बेटा होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं, स्टडी क्या बोलते हैं होमोलॉजी, क्लियर, चलो मैं ऐसे लिखो, ऐसे लिखो examples of homologous organ examples of homologous organ, तो बेटा इसमें लिखो नंबर वन लिखो ब्लैक पेन से ना हेडिंग आती है, देखो नंबर वन देखो फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स का मतलब क्या होता है, हाथ, खाली हाथ, हाथ पर नहीं, पैर को हिंड लिम्ब बोलते हैं, देखो फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स, देख लिया, तो बेटा आपको बताओ, आपको बताया कि हमारे हाथ में कौन सी बोन होती है, हिमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और सेलेनियस, पता है आपको, तो यहाँ पे ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखो एक ऐसे लिखो, पहले लिखो मैन, फिर चीता, ऐसे सही लिखोगे, ऐसे लिखोगे, इसके बाद इधर लिखो एपीरेंस और उनका फंक्शन क्या है, नीचे ऐसे चलना, देखो पहले लिखो मैं, चीता लिख लिया, मैं बोल दूंगा अभी ना, चार नाम लिख लिए, इसके बाद इधर देखो एपीरेंस, दूसरी लाइन में इधर फैश कर, और इसके बाद देखो फंक्शन, और ये टेबल नाम, इसके नीचे ये लिखना है एपीरेंस कैसा है, फंक्शन कैसा है, देखो पहला लिखो मैन, अरे गधो ऐसे लानी है, ये देखो मैन, इसके बाद देखो चीता, हाँ मैन, चीता,
गीता लिख लो, इसके बारे में वेल अभी इसके वाले को बैट वेल वेल इस वाले को बैट जंप वाला देख लिया। अब मैंने कहा था उस साइड में लिखना एपीरेंस और फंक्शन, बोले तो वैसे ही एपीरेंस और फंक्शन यहाँ लिखो, यहाँ यहाँ एपीरेंस लिखो, यहाँ फंक्शन लिखो। खास ये तो आप लोग एपीरेंस में मैन में लिखो हैंड, क्या बोलते हैं उसको हैंड, हाँ। चीता के नीचे लिखो फुट, पैर तो बोलते हैं उसका एफ डब्ल्यू टी फुट। वेल में लिखो पैडल पी ए डबल टी एल ई पैडल। औजार लिखो बैट में विंग डब्ल्यू आई एन जी विंग। तो बताओ इनका एपीरेंस में कैसा दिखता है, आदमी का हाथ दिखता है, चीता का में पैर दिखता है, चमगादड़ का दिखता है पंख दिखता है, और मछली का क्या दिखता है पैडल, मतलब भाई स्विमिंग के लिए। समझ गए आप लोग? अब आप लोग बताओ इनका जो फंक्शन है वो दोनों का सबका अलग नहीं है क्या? है, लेकिन सेम क्या है बताऊंगा आपको। तो आदमी का जो हाथ होता है वो क्या करने का काम आता है, होल्डिंग मतलब पकड़ने का काम आता है। तो देखो होल्डिंग फंक्शन में लिखो होल्डिंग, लिखो होल्डिंग होल्डिंग, देख लिया। चीता का जो पैर होता है वो किस काम आता है, रनिंग, क्या काम करता है बेटा रनिंग करता है। पैडल का मतलब क्या होता है स्विमिंग, मछली स्विमिंग करती है ना उससे। और इसके बाद विंग का काम क्या होता है फ्लाइंग, कार्पल मेटाकार्पस और ह्यूमरस रेडियस होना, ये बोन सेम होती है। तो इसका मतलब ये है कि इनका ओरिजिन कहां से हुआ है, सेम किसी से हुआ होगा। हाँ, मैं जिससे आप लोग बने होंगे इसी से चीता बना होगा, उसके पूर्वज जो रहे होंगे कई साल पहले उसी से चमगादड़ बना होगा, उसी से कौन बनेंगे वे। समझ गए आप लोग इनका कहना, कहने का मतलब क्या है। तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, क्लियर। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इसके नीचे लिखो अब कौन पॉइंट लिखो, लिखो इन फोर लिंब, इन फोर लिंब, इन फोर लिंब, इन फोर लिंब सिमिलर बोन्स, सिमिलर बोन्स आर प्रेजेंट, सिमिलर बोन्स आर प्रेजेंट, सिमिलर बोन्स आर प्रेजेंट लाइक, सिमिलर बोन्स आर प्रेजेंट लाइक ह्यूमरस, ह्यूमरस कॉमन रेडियस, ह्यूमरस कॉमन रेडियस बोन के नाम लिखो आपके, ह्यूमरस कॉमन रेडियस। इसके बाद कौन सी होता है अल्ना, इसके बाद कार्पस, इसके बाद मेटाकार्पस, इसके बाद फैरिंजियस, ठीक है लिख लो। तो इसका मतलब क्या समझ आया तुम बताओ, इससे समझ में आया कि बोन जब सेम है तो हमारे ओरिजिन यानी कि पूर्वज जो रहे होंगे उनका कैसे रहे होंगे, सेम रहे होंगे। जिससे चीता बना है उसी से हम लोग बने हैं, और उसी से क्या बना है वेल मछली बनी है, और उसी से क्या बना है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा सर ये अलग अलग स्ट्रक्चर फंक्शन क्यों करने लगे, बेटा ये फंक्शन इसलिए करने लगे कि उनका एटमॉस्फेयर वही वाला था। जैसे आप लोग सीधे हाथ से ज्यादा काम करते हो, जी सर सीधे हाथ से ज्यादा काम करते हो सब लोग, अगर मैं मार कर दूं तो 100% आप सीधे हाथ से कैसे करोगे, हमने बता दिया उपाय से करना हो सकता है। वैसे आप सीधे हाथ से करते, अगर मैं कहूं दोनों हाथों में से एक हाथ से कैसे करोगे तो 100% सीधे हाथ से करोगे, वहां से करेगा वहां से क्या पता है तो वहां से पकड़ेगा। अरे अब मैंने बता दिया, मुझे बताता
अब मैं बिना बताए फेंकता तो तुम हंजा पर फिर जाते हो बैठे चलो ठीक है तुम मायने को बैठे लेकिन मैं नॉर्मल बता रहा हूँ आप तो ज्यादा काम किससे करते हो सीधे हाथ से सही है क्योंकि हमारा सीधा ज्यादा क्यों रहता है ना तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसा एटमॉस्फेयर जैसा फंक्शन कर रहे हैं वैसे चल तुम्हें ज्यादा बोल रहे बयान से लेकर कहा बयान से लेकर नहीं मिलता है आप ऐसे करो ना थोड़ा बहुत लिख लो वैसे लिखो जैसे जैसे लिखते हो लिखो चलो ठीक है बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ही जैसे जैसे चमगादड़ हो गया वो उड़ने के लिए यानी कि हवा में लगा उड़ने लगा शेर कहाँ जंगल में रहता है तो उसी तरह डर गया हम लोग अलग कर गए और जो मछली होती है पानी में रहती है तो उसे तैरने की होती तो वो ऐसा कर गया समझ गया आप लोग तो इसका मतलब ओरिजिन क्या है सेम है फंक्शन क्या है बेटा अलग अलग इवोल्यूशन कौन सा है डाइवर्जेंट क्लियर हुआ नंबर सेकंड लिखो बेटा जैसे फर्स्ट लिखा फोर लिखो मेंबर ऐसे सेकंड लिखो अभी मॉर्फोलॉजी और एंड एनाटॉमी के लिए एविडेंस पढ़ रहा है नंबर सेकंड लिखो देखो माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ जो इंसेक्ट के माउथ पार्ट होते हैं वो सबके सेम होते हैं कैसे होते हैं सबके सेम तो ये भी क्या है एक दिखा रहा है ए एविडेंस इसका एवोल्यूशन का नेक्स्ट वर्ड देखो थॉर्न ऑफ कांटे THORN थॉर्न ऑफ नंबर थर्ड थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया BOGENVILLEA बोगेनविलिया तो देखो थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकरबिटा एंड टेंडल्स ऑफ कुकरबिटा नहीं होते हैं तुरई वगैरह तुरई वगैरह और कुकरबिट होते नहीं कुकरबिटा आप देखो आप लोग बात सुनो बेटा ए बात सुनो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है देखो हम से दोनों का अलग अलग टेंडल जानते क्या टेंडल जानते पहले ये बताओ छोटी छोटी होती है बताओ इनका काम होता है बेटा बेल को ऊपर चढ़ने में आप देखो मकान होता है मकान ये मकान है तो यहाँ पे क्या करते हैं ये जो घर में क्या करते हैं यहाँ बो दिया और उन्हें छत पे पहुंचाना है तो क्या करते हैं या रस्सी बांध दी ऐसे और वो इसके सारे बेल रस्सी के सारे इसको पकड़ के टेंडर को पकड़ के वो चलती रहती है और यहाँ पे पहुंच जाती है समझे बात को तो ये कहना चाह रहा है टेंडर और थॉर्न कांटे जो बगन किया होते हैं एक इनका जो मॉडिफिकेशन होता है दोनों का किससे होता है एंजिनियरिंग बर्ड से किससे होता है बेटा बातें कौन है एक्चुअली बर्ड से होता है इसका मतलब ये है इनका फंक्शन क्या है अलग अलग अच्छा ये बताओ प्लांट में जो कांटे होते हैं वो क्यों होते हैं प्रोडक्शन के लिए डिफेंस के लिए अपनी रक्षा के लिए तो कांटे का काम क्या होता है डिफेंस एंड प्रोडक्शन और थॉर्न काम वो उसका टेंडल काम क्या होता है सपोर्ट करने के लिए चढ़ने के लिए ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का काम क्या है अलग अलग ओरिजिन क्या है दोनों का सेम किससे हुआ है एक्चुअली बर्ड से तो आप लोग ब्रैकेट देखो देखो मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिलरी वर्ड बेटा क्लियर हुआ सही है अब एक ब्लैक पेन से एक पॉइंट लिखो कॉमन लिखो होमोलोगस और
होमोलोगस ऑर्गन सो SHOW सो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देख लिया क्लियर हो तो अब आगे निकालो बेटा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ये बात मतलब क्या होता है अच्छा इसका दूसरे नाम क्या बोलते हैं एडप्टेशन रेडिएशन क्या बोलते हैं क्यों क्योंकि आप लोग बताओ जब कोई अपने आप को एडप्ट नहीं करता है नहीं समझा भी जैसे अगर चमगादड़ है वो उड़ रहा है सही है आदमी का हाथ है ठीक है चीते का पैर है रनिंग का मार है उसने अपने आप को एडप्ट तो किया है एडप्ट क्या होता है उसी माहौल में ढल जाना उसी को तो बोलते हैं एडप्टेशन तो एडप्टेशन क्या है तभी तो एवोल्यूशन हो रहा है कौन सा डाइवर्जेंट अगर आप लोग बताओ अगर ये अपने आप को एडप्ट नहीं कर पाते तो क्या एवोल्यूशन होता है डाइवर्जेंट इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है एडप्टेशन रेडिएशन क्या होता है तो आप लोग ऑब्लिक करके ब्रेक में लिख लो एडप्टेशन रेडिएशन एडप्टेशन रेडिएशन नाम ये बात समझे आपको समझे एडप्टिव होता है ना तभी डाइवर्जेंट होगा अगर वो एडप्ट नहीं कर पाएंगे तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किस बात का होगा फिर तो सेम ही जाएंगे जैसे एक ही तरह रहेंगे देख लिया देखो देखो स्पीशीज स्पीशीज बेच है देखो स्पीशीज विच हैव डाइवर्ज स्पीशीज विच हैव डाइवर्ज स्पीशीज विच हैव डाइवर्ज आफ्टर ओरिजिन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर giving rise to new species new species adapted to new habitat adapted to new habitat adapted मतलब समझ गए आपको बेटा जैसे आप लोग अभी जाओ पढ़ो उधर तो आपको वहां एडप्ट होना पड़ेगा क्या होना पड़ेगा एडप्ट वरना आपको फीवर आएगा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आप बीमार हो जाओगे ठीक है तो आपको वहां के मौसम में क्या करना पड़ता है अपने आप को एडप्ट करना पड़ता है ठीक है तो लिखो क्या लिखा न्यू हैबिटेट एंड वे ऑफ बे रास्ते WAY एंड वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एंड वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ऑब्लिको एडप्टिव रेडिएशन सही अब देखो एग्जाम्पल क्या लिखो एग्जाम्पल नंबर वन लिखो डार्विन फिंचेस नंबर वन क्या लिखो बेटा डार्विन फिंचेस देख लिया डार्विन फिंचेस सही से अगर भी तमाम क्या है ठीक है कर लिया चिड़िया है नंबर वन लिख लिया डार्विन फिंचेस नंबर टू लिखो देखो वैरायटी ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स
प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया, हमारे की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की बात है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्लेसेंटल मैमल्स हैं, मैमल्स, ठीक है। वो कैसे हैं, बने तो ओरिजिन का सेम है लेकिन वो हैबिटेट में अलग अलग रह के अलग अलग टाइप के हो गए। तो आप लोगों को नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम के बारे मत करना हूँ यार, बहुत वैसे नाम है आपको याद करना होता है। क्या लिखा आपने, वैरायटी ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। नंबर थर्ड बोलता वैरायटी ऑफ, वैरायटी ऑफ, वैरायटी ऑफ मार्सुपियल्स, एम ए आर एस यू पी आई ए एल एस, वैरायटी ऑफ मार्सुपियल्स इन आर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। देखो ये डायग्राम बना होगा, अगर देखना चाहो तो एनसीईआरटी में एक बार देख लेना। ये टाइगर, टाइगर कैट हो गया, ये वॉल्फ हो गया, ये सुगर लीडर, ये सब है, ये है तो सब मैमल्स, इनका ओरिजिन तो सेम हुआ है लेकिन बेटा ये अलग अलग हैबिटेट में रह रहे हैं, अलग अलग टाइप के हो गए, जैसे कंगारू हो गया। तो इनका, इनका क्या है हैबिटेट, सब क्या है अलग अलग। इसका मतलब यह है कि इनने कौन सा क्वेश्चन किया है, डाइवर्जेंट। लेकिन आपकी किताब में जो दिया है डिटेल में वो दिया है डार्विन फिंचेस के बारे में, तो आप एक हेड डालो डार्विन फिंचेस, पढ़ा है क्या डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस। देखो यहाँ पे क्या था, इसका मतलब सुन लो, साइंटिस्ट डार्विन थे, कौन थे साइंटिस्ट डार्विन, जानते हो आप लोग डार्विन बाग आपने पढ़ा होगा, बहुत हाई स्कूल में डार्विन बाग लेमान बाग पढ़ा नहीं, फिर आपके बारे में बताया था गांव में। साइंटिस्ट डार्विन थे तो यात्रा पे निकले थे, किसने गए थे यात्रा, आपको पता है पहले लोग यात्रा पे निकलते थे, जैसे स्टडी करना हो रही थी आज की तरह से ना, तो यूट्यूब पर बैठे बैठे देख रहे थे कुछ, पहले क्या था उसमें जाना होता था भाई, जैसे अभी मान लिया आपको हिमालय देखना है तो आप यूट्यूब पर देखोगे अभी बैठे बैठे अपने कमरे में आराम से। अब लेकिन अब आपके पास मोबाइल नहीं, यूट्यूब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वहाँ भाई मोबाइल ना। तो पहले यात्रा होती थी, क्या होती थी यात्रा, जैसे जहाज निकल गए, आपको आएगा कितने साल बाद, 10 साल बाद, आप लोग अपने घर में एक थैला लिया घर से और निकल गए, सही है थैला लेके, जैसे मोदी निकल गए तो क्या हुआ, थैला लेके निकल गए, छुटकी याद होती है थैला, तो थैला लेके निकल गए, थैला लेने के बाद वो निकलने के बाद फिर आप लोग क्या करते हो कि वहीं पे घूमते हो, स्टडी करते हो, स्टडी करके अब आप लौट रहे हो 10 साल बाद, आपके घर वालों को टेंशन नहीं शादी वादी की, अब लड़का बड़ा हो गया कमाएगा खाएगा ऐसा कुछ नहीं, पहले ये सब ड्रामा नहीं था, पहले क्या था कि निकल गया तो निकल गया, मतलब आपको आया ना आए वो भूल गए उसे, लेकिन वो स्टडी करते थे, क्या करते स्टडी। तो ये गए थे आइसलैंड पे, कितने गए थे, जिन्हें बोलते हैं गैलापागोस आइसलैंड, क्या बोलते हैं। तो इन्हें स्टडी की बेटा, इन्हें चिड़िया देखी, क्या देखी, जैसे बोलते हैं फिंचेस, क्या बोलते हैं फिंचेस, इन्हें देखा कि अलग अलग आइसलैंड पे सेम चिड़िया की जो चोंच होती है उसका साइज था वो अलग अलग था, क्या बताया मैंने, अलग अलग आइसलैंड पे अलग सेम चिड़िया का चोंच का साइज क्या था अलग अलग, कहीं पे चोंच छोटी थी कहीं पे क्या थी बड़ी बड़ी। तो इन्हें बताया कि क्या है, एडेप्टेशन रेडिएशन है, यानी कि डायवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि इन्हें बताया कि अलग अलग हैबिटेट में रहने से, अलग अलग हैबिटेट में रहने से हुआ है, और ये बात सच सच भी है बेटा। आप लोग बताओ, वेस्ट इंडीज के लोग हमसे दूर रहते हैं, उनकी बॉडी देखो कैसी अलग अलग टाइप की, इंग्लैंड के देखो सारे गोरे, तो ये किसका इफेक्ट है, हैबिटेट का भाई। अगर आप लोग, आप चाइना में रहोगे तो आपकी 5 पीढ़ी बाद चेंज हो जाएगा, चेंजमेंट हो जाएगा, समझ रहे हो, तो कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर रह रहे हो लगातार और रह रहे तो वैसे चल जाओगे वेस्ट इंडीज, समझ रहे हो, तो इसका मतलब किसका इफेक्ट है, हैबिटेट का, जाएंगे नहीं शादी करते ना, दी जाता है उससे, चलो शादी कर सकते हो आराम से, पहली सना जाएंगे बच्चों में, फिर उसकी शादी कर देना वेस्ट इंडीज करके, फिर फिर बच्चे चले जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, देखो ए आप लोग डार्विन समझ गए क्या, समझ गए, तो देखो इसके पॉइंट, देखो डार्विन स्टडी, डार्विन स्टडी फौना F A U N A
अच्छा आपने फौना का मतलब जानते हो? आपने दो नाम सुने होंगे, फौना एंड फ्लोरा। फ्लोरा एंड फौना। हां बताओ दोनों का मतलब। और प्लांट का है। हां फ्लोरा का मतलब क्या होता है? प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट्स। और फौना का मतलब एनिमल्स। तो देखो फौना एंड फ्लोरा, फौना एंड फ्लोरा ऑफ, बेटा पहले बंदे को होता है साइंटिस्ट पहले क्यों बन जाते हैं? क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था, ये बात रहती है। अगर तुम अभी निकल गए, अरे ये तो बहुत बड़ी बात लगी, तुम घर से अगर 10 किलोमीटर जाते हो तो घर वालों को फोन आ जाता है कि कहां बैठा, कहां बैठा। और तुमने धोखे से कर दिया, मम्मी सो रही है, तुमने कारण बताओ क्यों आओगे, बेल क्यों भी कहां पे हो, खाना कहां खाओगे, ये सब बातें बतानी पड़ती है। यस, तो वो संतुष्ट होते हैं। फिर भी एक बार कहेंगे कि बेटा आप पहुंच जाओ खाना खाने के बाद, फिर घूमने लेने एक बार, पता नहीं होता है। तो इतना ज्यादा अब आपका अटैचमेंट हो गया लोगों से कि आप नहीं मार जा सकते। पहले क्या होता कि फोन था ही नहीं, एक बार निकल गया कोई मतलब नहीं, उन्हें पता आ जाएगा कभी आएगा देखा जाएगा। अब क्या है, अब तो मैं ढूंढते ढूंढते अगर तुम निकल भी गए तो मैं यही पकड़वा देंगे बरेली, कहते फोन सुधा हो गया और तुम बरेली पकड़ जाओगे तो स्टडी की सब ऐसी लगी रह जाएगी, स्टडी और एक्सपेरिमेंट। ये हम तो कभी अपने घर पे करके देखना, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ सही है क्या करना, तो तेरे घर वाले सबसे पहले ये कहेंगे, कहेंगे कि उनका तो करे वो दस हजार, और दूसरी बात इससे होना क्या है ये बोलेंगे रिजल्ट कम देगा इससे, भाई पैसे कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा वो सबसे पहले, आज को सबसे ज्यादा वही पैसे का है। और तुमने धोखे से कह दिया कि मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोफोन लेके आऊंगा, तो ये 6000 रुपए दे दो, तो घर वाले घर से निकाल देंगे अगर तुम चला जाते 6000 रुपए लेके से। तो बेटा आजकल ये मॉल है, तो आप साइंटिस्ट कहाँ समझ जाओगे? तो साइंटिस्ट का मतलब होता था कि आप, और वो कमी आप में नहीं है बेटा, आप भी उसके लायक नहीं हो, आप पहले तो एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर धोखे से ले आए तो पहले उसका फोटो डालो कि आज मैंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोफोन खरीदा, तो उस पे चार कमेंट आएंगे डीमोटिव वाले कि साले इतने का मोबाइल लिया था तो अच्छा है सही है। तो बेटा कहीं ना कहीं आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारा वो माहौल ही नहीं रहा। अब तो जरा सा कोई बात होती है मीडियम मीडियम पहुंच जाती है। अभी मैंने खबर पढ़ी थी कि सुरभा सेठी ने बैगर बनाए, ये तो मैंने सुरभा सेठी भैया एक्टर है अच्छी बात है, लेकिन ये बैगर बनाए तो हम भी तो बैगर बना रहे हैं, हमारा एक जूनी का कि आप नहीं करवाए। तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीजें बहुत फालतू की है सही है। चलो देखो तो लिखना बेटा डार्विन स्टडी फौना एंड फ्लोरा ऑफ गैलापागोस आइसलैंड, गैलापागोस आइसलैंड ठीक है, गैलापागोस GALAPAGOS गैलापागोस आइसलैंड। स्टडी स्टडी नियर साउथ अमेरिका, नियर साउथ अमेरिका। और बेटा यहाँ पे जो आइसलैंड थे वो कितने थे? 22 कितने थे? तो वहां पे ब्रेक लिख लो 22 आइसलैंड। सही है, ब्रेक लिख लो। और देखो हियर ही सा, हियर ही सा, हियर ही सा 22 टाइप्स ऑफ फिंचेस, 22 टाइप्स ऑफ फिंचेस। इनने 22 टाइप की चिड़िया देखी और वो सेम चिड़िया दिख रहा है, सही 22 टाइप ऑफ फिंचेस। फिंचेस क्या है? बर्ड्स। तो बेटो लिख लो बर्ड्स चिड़िया है। ठीक है देखो नेक्स्ट, देखो दीज बर्ड्स, दीज बर्ड्स, दीज बर्ड इवॉल्व, इवॉल्व फ्रॉम सिंगल स्पीसीज, फ्रॉम सिंगल स्पीसीज इंटू डिफरेंट स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज इंटू डिफरेंट स्पीसीज। एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ एडप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एट अ रिजल्ट ऑफ एडप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये किसका बेटा? ये रिजल्ट था एनवायरनमेंट का, किसका था? एनवायरनमेंट का, एडप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट।
इसके बाद देखो दीज बर्ड्स आर नाउ, दीज बर्ड्स आर नाउ नो एज डार्विन फिंचेस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस। इन चिड़िया को हम क्या बोलते हैं बेटा, डार्विन फिंचेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो, देखो डार्विन फिंचेस आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ, डार्विन फिंचेस आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन। डिफरेंट शेप ऑफ बीक, डिफरेंट शेप ऑफ बीक, डिफरेंट शेप ऑफ बीक, डिफरेंट शेप ऑफ बीक ड्यू टू देयर हैबिटेट। ये किसका बेटा, बेटा हैबिटेट का। ठीक है, ड्यू टू देयर हैबिटेट, सही है। तो आपको ये बताओ बेटा डार्विन फिंचेस के बारे में समझ गए, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो इसके बाद आपको है क्या बेटा, एनालॉजी। क्या डालो, एनालॉजी, एनालॉजी। आपको डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट नहीं जानते क्या, लेंस नहीं पढ़ा, लेंस ये होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस का नाम क्या होता है बताओ, जो रेज आती है उनको क्या करना, डाइवर्ट करना है कन्वर्ट करना, कॉन्वेक्स की बात बता रहा हूँ, बता कॉन्वेक्स कन्वर्ट करता है और कॉन्केव क्या करता है, डाइवर्ट करता है। क्या बोलते हैं अब है डालो बेटा, एनालॉजी क्या डालो, ये ध्यान नहीं है आपको, इधर बताओ ये कौन सा लेंस बताओ, कॉन्वेक्स नहीं है और ये कौन सा है, कॉन्केव है। अगर इस पे तुम ऐसे ले जाओगे तो क्या करेगा, ऐसे कन्वर्ट कर देगा, और ये क्या करेगा, ये डाइवर्ट करेगा, समझ गया। अब बेटा ये उठा ना सर, मुझे सुला दे इसको, वरना हो जाए क्या। चलो ये देखो एनालॉजी हेड कर लिया, एनालॉजी हेड कर लिया, यस सर। बेटा इसका मतलब समझो, इसका मतलब सेम ही होता है, ये देखो अगर किसी का फंक्शन क्या हो, सेम हो, क्या हो बेटा, फंक्शन सेम हो, क्या हो, सेम, लेकिन ओरिजिन क्या हुआ, वो ओरिजिन अलग अलग से हुआ, इसका उल्टा ही हुआ, ओरिजिन क्या है अलग अलग, मतलब ये हुआ कि ओरिजिन हुआ अलग अलग, मतलब हम जो उसके एंसेस्टर होंगे पूर्वज होंगे वो तो अलग अलग होंगे, लेकिन वो सेम हैबिटेट में रहने के बाद फंक्शन कैसे कर रहे हैं, सेम। सही है, ये भी तो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी का एक एविडेंस हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ है, वरना ऐसा हो ही नहीं पाता। ये जो ये ऐसे जो स्टडी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, एनालॉजी, क्या बोलते हैं, एनालॉजी। और बेटा ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन, क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। अब आप लोग बताओ बेटा इधर देखो, इनका जो ओरिजिन अलग, वो ओरिजिन अलग अलग है, पूर्वज इनके अलग अलग है, और जो फंक्शन क्या कर रहा है, सेम कर रहा है, तो ये कन्वर्ज नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज का मतलब एक जगह हो रहे हैं, तो ऐसे इवोल्यूशन क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। इसका सिंपल सा एग्जांपल बताऊं आपको, सिंपल सा एग्जांपल, जैसे देखता है बंदनी में है मैं, हम लोग तीनों को ओरिजिन कहां से अलग अलग हुआ है, मेरे फादर अलग, उनके अलग, उनके अलग, लेकिन हम लोग फंक्शन क्या कर रहे हैं, सेम, यानी कि एक जगह आके मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो गया, समझ गए। अब तो ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया उसको बेटा, समझ गए आप लोग। चलो देखो, देखो बेटा एनालॉजी, देखो ऑर्गन्स व्हिच हैव डिफरेंट ओरिजिन, ऑर्गन्स व्हिच हैव डिफरेंट ओरिजिन, ऑर्गन्स व्हिच हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड एंड ओरिजिन एंड
स्ट्रक्चर एंड डिसिमिलर स्ट्रक्चर एंड डिसिमिलर स्ट्रक्चर बट हैव सिमिलर फंक्शन बट हैव सिमिलर फंक्शन इनका मतलब कैसा होगा सेम देखो आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन examples of analogous organ. अच्छा ये बताओ ये क्या जो मैंने कहा था बैट का बैट उसके विंग सही और सभी पक्षियों के विंग उनका ओरिजिन अलग नहीं है क्या और काम क्या सेम है उड़ने का ये भी क्या हो गया एनालॉजी हो गई देखो फर्स्ट देखो विंग्स ऑफ बैट देखो विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स समझ गए आपको दोनों काम क्या बेटा सेम है उड़ना ठीक है लेकिन उनका दोनों का ओरिजिन क्या हुआ है नंबर सेकंड देखो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो स्वीट पोटैटो मतलब क्या होता है अभी चल रही अच्छा मतलब खाई जा रही है ना नहीं हमने तो नहीं खाई है लेकिन ये बात ऐसे बेकार लगती है तो कैसे से वो आर होती है वो वाली चूल्हे में हाँ ये तो कह रहा हूँ क्या कह रहा है आग में रखने से वो होता है वैसे खाना पाव में जाएगा ऐसी खाता है हाँ तो वैसे तो मैं कह रहा हूँ अब तुम हमें उबाल दो तो पानी तो बहुत ही कम ऐसा राहुल जा रहा है चीनी डाल जाती है अबे ऐसा नहीं है सर चीनी डाल दी अच्छा बताओ बेटा पोटैटो क्या इस टाइम है और स्वीट पोटैटो क्या रूट है तो ओरिजिन दोनों का क्या अलग अलग है और फंक्शन क्या है सेम है खाने का स्टोरेज फूड मतलब सही है नंबर वन देखो पेल्विक फिन्स ऑफ फिश पेल्विक फिन्स ऑफ फिश पेल्विक फिन्स ऑफ फिश कॉमा फिलीपर ऑफ सील सील एस ई एल तो इन दोनों का काम क्या होगा सेम होगा सही है और इनको ओरिजिन क्या अलग रहा पहले प्रिंस काम नहीं कर रहे आपको अरे जो पंख वगैरह होते हैं टाइप के उसी की बात नहीं आपको नेक्स्ट देखो डॉग फिश एंड वेल नंबर 5 फोर देखो डॉग फिश एंड वेल डॉग फिश क्या होता है डॉग कुत्ता मछली डॉग फिश एंड वेल अच्छा वेल क्या होती है मेहमत होती है ना तो ये इनका ओरिजिन तो अलग हुआ है जगह अलग ठीक है क्योंकि वो मेहमत से वो बचे हैं लेकिन इनका फंक्शन क्या है सेम है दोनों है तो मछली देखो डॉग फिश एंड वेल देख लिया इधर देखो इसके नीचे कॉमन पॉइंट देखो एनालॉगस ऑर्गन सो एस एच डब्ल्यू सो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ये बेटा क्या करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन करते हैं कौन सा करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बात
और एनालॉजी समझे बेटा, एक बात क्या करना, होमोलॉजी ऐसे क्या रखना, होमो मतलब क्या होता है सेम, और सेम क्या है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यहां से क्वेश्चन आता है, जहां क्वेश्चन आता है वो सिंपल से क्वेश्चन आता है, सही कन्वर्जेंट एवोल्यूशन लिख लिया। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, देखो डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर आपको लिखना चाहो बेटा ऐसे बना दो, ऐसे आपको बहुत अच्छे सब क्लियर हो जाएगा। वैसे आप कैसे करना चाहो ऐसे मान लो ज्यादा अच्छा रहता है, उसका भी इसका भी बना सुना सकते हो। देखो वैसे तो आप ये भी नहीं पढ़ते हो, वो बना के रखा मुझे रिवर पढ़ते हो रिवर पर रिवर सही कर रहा है। क्या लिखा बेटा आपने, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर इन अनरिलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है बेटा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ओरिजिन अलग अलग फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, क्यों क्योंकि सेम है याद होगा इसलिए सेम है फंक्शन रहता है उनका। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो अरे ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, हाँ बहुत ज्यादा बातें नहीं है ना, कल भी छुट्टी कर आज इसको नहीं बनाएगी ना कल अरे ये सब बातें मैं कल बताऊंगा अभी कल आइए। चलो कोई एग्जांपल देखो, सम ऑफ द मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिजेंबल इक्विवेलेंट प्लेसेंटल मैमल्स दैट लिव इन सिमिलर हैबिटेट्स दैट लिव इन सिमिलर हैबिटेट्स ऑफ अदर कॉन्टिनेंट्स बेटा इतना कर वो हम लोग इतना कर पड़ेंगे और कल में इंपोर्ट मार्क कम आपको तो हम छुट्टी मत करो ठीक है, और बच्चे छुट्टी करते हैं छुट्टी हमने ना की सरकार हैं हमने जी की सरकार नहीं यार हम क्लासेस से चल रही है, चलो कोई नहीं पढ़ाई कर दो हम सरकार ने तो एक बार हम लोग ने कर तो बहुत कर लिया चलो ये बात ठीक है।